नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं के हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रासेप्शन के क्या तरीके होते हैं, उन तरीकों की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कौन से तरीके इस्तेमाल करके आप सेफली अपने दो प्रेगनेंसीज के बीच में गैप रख सकते हैं। और सबसे पहले मैं एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी हाल ही में मेरे एक पेशेंट जिसकी की डिलीवरी अभी 10 दिन पहले हुई थी, फॉलोअप विजिट के लिए मेरे पास आई और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उसने खुद से मुझसे ये बात कही कि मैडम, हम अगली प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहते हैं तो उसको पोस्टपोन करने के लिए क्या कोई तरीका है और हम उसे कब से शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंसिडेंस था जो मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि आमतौर पर जब कपल्स डिलीवरी के बाद फर्स्ट विजिट के लिए आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ उनको इस बारे में जागरूक करने के लिए कि वो अपनी अगली प्रेगनेंसी को प्लान करें, और जब तक वो अगली प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं तब तक कोई प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल करें जिससे कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी की परेशानियों से बचे रहें। और ज़्यादातर जगह जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि अभी हमने सोचा नहीं है या अभी हम इसके लिए रेडी नहीं हैं, हम थोड़ा सा सोचना चाहते हैं या अभी हमें ज़रूरत नहीं है, वी विल मैनेज बाय आवर सेल्फ्स, इस तरीके के रिएक्शंस आते हैं। और बहुत बार ऐसे कपल्स अनवांटेड प्रेगनेंसीज के साथ लैंड होते हैं, फिर वो मेडिकल अबॉर्शन की पिल्स खाते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से परेशान होते हैं। तो यानी कि लोगों में कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो बिल्कुल भी हमारे देश में बहुत कम है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, इंडिया जो है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, कुल मिला के सारे विश्व की 17% पॉपुलेशन हमारे देश में है और जबकि लैंड एरिया केवल 2.4% हमारे पास है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे से लैंड एरिया पे कितना ज़्यादा प्रेशर है। और अगर अभी भी हम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जागरूक नहीं होंगे तो भविष्य में इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए और अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसको अवॉइड करने के लिए जो भी संभव और अच्छे तरीके हैं उनको फॉलो करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो आज हम बात करते हैं डिलीवरी के तुरंत बाद कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कौन कौन से मेथड्स डिलीवरी के तुरंत बाद कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और किसी भी मेथड के क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिलीवरी के तुरंत बाद कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। डिलीवरी के तुरंत बाद ज़्यादातर महिलाएं वीक हो जाती हैं। डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद लैक्टेशन के दौरान महिलाओं के शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है, एनीमिया की शिकायत हो जाती है और बहुत सारी एनर्जी बच्चे के देखभाल में भी जाती है। तो ऐसे केसेस में जब महिलाएं ऑलरेडी वीक हैं और अगर उस दौरान उन्हें कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी आ रही है तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक होता है। आमतौर पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय चाहिए होता है किसी भी लेडी को डिलीवरी के बाद रिकवर करने के लिए, और इस दौरान कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए उन्हें अबॉर्शन के लिए जाना पड़े या अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस केस में भी बच्चे के लिए प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। जो बच्चा अभी है और जो बच्चा जो होने वाला है, दोनों के लिए प्रॉब्लम की बात होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है कि डिलीवरी के तुरंत बाद अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए। दूसरे नंबर पर एक मिथ होता है लोगों के दिमाग में कि डिलीवरी के बाद अगर पीरियड नहीं आया है तो प्रेगनेंसी नहीं आती है। ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद अगर महिला को पीरियड नहीं आया है उसके बावजूद उसे प्रेगनेंसी आ सकती है। और कभी कभी महिलाएं 3 या 4 महीने की प्रेगनेंसी के साथ प्रेजेंट करती हैं और ऐसे केसेस में उसको टर्मिनेट करना भी बहुत बार मुश्किल होता है। इसलिए डिलीवरी के तुरंत बाद यानी डिलीवरी के करीबन 1 से 1.5 महीने के बाद एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं डिलीवरी के तुरंत बाद कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि सेफली यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पर सेफली से मेरा मतलब है कि डिलीवरी के बाद अगर महिला ब्रेस्ट फीड करा रही है तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस तरीके का होना चाहिए जो कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्वान्टिटी और क्वालिटी पर असर नहीं डाले। तो ऐसे केसेज में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है प्रोजेस्टेरॉन वाले टैबलेट्स या इंजेक्शन। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। 2 तरीके के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। एक होते हैं कंबाइंड पिल्स जिसमें कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है, और दूसरे नंबर पर होती है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जिसमें कि सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है और वो भी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
और एक और तरीका होता है प्रोजेस्टेरॉन देने का, वो होता है इंजेक्टेबल्स। कुछ इस तरीके के इंजेक्टेबल्स अवेलेबल हैं जिसमें कि हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद अगर इंजेक्शन लगाया जाता है तो एक बार लगाने पर 3 महीने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरे नंबर पर मेथड्स आते हैं जो कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, या कुछ इम्प्लांट्स भी आजकल अवेलेबल हैं जो कि एक इंजेक्शन की सक्सेसफुल में लगा दिए जाते हैं और वो 2 साल या 3 साल के लिए प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इंजेक्शंस में डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन होता है जिसको कि लगाया जाता है, 150 मिलीग्राम का ये हार्मोन होता है जो कि इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस 2 किस्म के होते हैं। पहले नंबर का जो हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कॉपर टी या फ्रीडम 5, और दूसरे नंबर के आजकल जो आते हैं वो थोड़े से बेहतर हैं जो कि हार्मोन इम्प्रेगनेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, यानी कि उसमें कॉपर की जगह हार्मोन्स होते हैं। तो कई बार महिलाओं को कॉपर टी या फ्रीडम 5 से एक शिकायत आती है कि लो बैकएक या हेवी पीरियड्स की शिकायत रहती है। इस शिकायत को दूर करने के लिए ये हार्मोन इम्प्रेगनेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस डिज़ाइन किए गए हैं और इनका बहुत बढ़िया रोल होता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ही और साथ साथ हेवी पीरियड्स को कम करने के लिए। तो ये दोनों तरीके डिलीवरी के तुरंत बाद महिलाओं के लिए अवेलेबल होते हैं। अपने डॉक्टर से सलाह करके आपके लिए जो भी तरीका बेस्ट सूटेड हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक और मिथ यहाँ पर महिलाओं के लिए दिमाग में होता है कि अगर बाय चांस डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन द्वारा हुई है तो क्या उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लगाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, डिलीवरी के तुरंत बाद अगर सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुई है उन केसेस में भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और आजकल एक प्रैक्टिस है कि अगर कपल रेडी है या फैमिली रेडी है तो सिजेरियन सेक्शन के दौरान ही हम एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूट्रस के अंदर रख देते हैं, क्योंकि जब हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो यूट्रस ओपन होता है, बच्चा निकालने के लिए यूट्रस में एक इंसिजन लगाया जाता है और उसी के साथ हम एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो 10 ईयर के लिए होता है उसको हम यूट्रस के अंदर रख देते हैं। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता और उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। बहुत बार अगर हम लोगों से इसके परमिशन लेना चाहते हैं कि भाई अगर आप लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि ये नुकसान कर जाएगा, पता नहीं सूट करेगा या नहीं करेगा, तो बहुत से लोग इसके लिए रेडी नहीं होते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है और इसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं और ये एक बार में लगाने के लिए 5 या 10 साल के लिए काम करता है। तो विशेषकर वे लेडीज़ जो कि सिजेरियन सेक्शन द्वारा डिलीवरी के लिए जा रही हैं इस मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को नहीं अपनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भ्रम। बहुत सारे लेडीज़ को ये भ्रम होता है कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हम लगवा रहे हैं जैसे कि फ्रीडम 5 या कॉपर टी लगवा रहे हैं तो इससे शरीर मोटा हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, कॉपर टी सूट नहीं की तो क्या होगा। ये सारे मिथ्स हैं और कॉपर टी एक बहुत ही अच्छा तरीका है और आजकल जो एडवांस तरीके हैं जिससे कि कॉपर की जगह हॉर्मोन्स होते हैं उसको बहुत आसानी से और बहुत सेफली इस्तेमाल किया जा सकता है। और बहुत बार महिलाएं इसमें जो कि हेवी पीरियड से परेशान होती हैं उनमें अगर इसको लगाया जाता है तो हेवी पीरियड्स की प्रॉब्लम भी तकरीबन 90% केसेस में पूरी तरह से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए डिलीवरी के तुरंत बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर जानकारी लीजिए। जो भी मेथड आपके लिए बेस्ट सूटेड है उसको अपनाने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, फ़ायदे और नुकसान दोनों डिस्कस कर सकते हैं आप, और आपके लिए जो बेस्ट सूटेड मेथड है उसको ज़रूर ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि 2 प्रेगनेंसीज के बीच में गैप रखना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।